हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 से हिंदी चैप्टर 2 की कहानी, जिसका शीर्षक है दो गोरैया, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। बच्चों, इस चैप्टर का पाठ प्रवेश यहाँ से होता है। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पंछी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पंछी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधे हमारे घर में पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया। यह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाते हैं, पर लोग कहते हैं कि पंछी गा रहे हैं। लेखक का कहना है कि घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वो धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वो कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों में आकर पैर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी, और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं। फिर एक दिन दो गोरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, उनकी रहने योग्य है या नहीं। कभी भी किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। और दो दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे की गोली में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, वो उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने फेंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शु 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 कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शु शु करते। गोरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाकर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है, माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सोचता है। हंसकर बोली, चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंख के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे।
निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और ये बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले पे जा बैठी। उन्हें लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पे जा बैठी, दूसरे सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंसती, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चीची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजों में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चीची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसती। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी, दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठे हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैया पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं, पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात हो गई, हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांककर देखा, चिड़ियां वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरे जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार यानी संडे था, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकल जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहां तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वो भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वो कहने लगे कि वो गोरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वो फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनका पर जमाया और दाई ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी, अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे।
इसी घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वो लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वो खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाये और धागे और थिंगलिया लाठी के सिरे पर लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिटक गए। ये क्या, क्या गोरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 ची। फिर आवाज आई, मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्नी नन्नी गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्नी नन्नी दो गोरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँप हाँप कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगे। माँ पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।